बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रुक रहे सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बन रही फैक्ट्रियों में और फैक्ट्रियों के बाहर आसपास की सरकारी जमीन पर मालिकाना हक बना अवैध निर्माण कर रहे हैं। और वहीं DSIIDC, JEE और MCD बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों के मिली भगत से बवाना सेक्टर 2H 113 फैक्ट्री के मालिक ने हद ही कर दी। नाले को ब्लॉक कर आने वाले बरसाती पानी के निकासी को भी ब्लॉक कर दिया गया और सरकारी जमीन पर बनी सरकारी किराने की दुकान के रास्ते को भी ब्लॉक कर रहे हैं। दुकानदार का कहना, मैंने अपने सामान को बचाने के लिए टीन शेड डाली थी। फैक्ट्री मालिक ने DSIIDC और MCD बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों से मिलकर टीन शेड गिरवा दी। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, फैक्ट्री मालिक सरकारी जगह घेर दीवार बना लेता है, नालियां ब्लॉक कर देता है, उनके लिए खुली छूट है? ये संबंधित विभाग के अधिकारियों के मिली भगत से हो रहा है। क्या नाम आपका? अमित कुमार। कौन सी जगह है ये? ये एच ब्लॉक सेक्टर 228 नंबर। आप ये कैसे टूटा है? सर, मैंने ये पानी बचाने के लिए थोड़ा सा छप्पर लगाया हुआ था ऊपर और ये हमारा पाड़ दिया गया है MCD द्वारा और ये इन्होंने अपना पूरा कब्जा कर रखा है और पूरी मेरे दुकान के आगे दीवार भी निकाल रखी है। ना मेरा सामान अंदर जाता है ना बाहर जाता है। ये पूरा ये दीवार किसने की हुई है? ये इसी मालिक ने की हुई है, H113 सेक्टर 2। तो ये जो आपकी दुकान है ये कैसी सरकारी दुकान है? कैसी ये सरकारी दुकान है सर। और ये जो ये किया हुआ है, जो बनाया हुआ है, ये बनाया नजायज बनाया हुआ है सर। पानी भरने का भी खतरा बना रहता है, ये ब्लॉकी हुई है सारी और स्मेल मच्छर इतना हो जाता है। ये हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, सरकारी जगह पर बैठे हुए हैं। अगर ये पैसे देकर ये अपना सारा काम कर लेते हैं, सब ब्लॉक कर लेते हैं और हमारा कोई काम ही नहीं होता। आपके लिए कुछ लगाया था तो वो हमारा पाड़ दिया गया है। देख रहे हैं कॉन्समेंट और ये नाली देखिए किस तरह से ब्लॉक की गई है। आप सोच कर देखिए बरसात के समय में क्या यहाँ पर ये पानी निकल पाएगा, और अगर बरसात के समय में अगर यहाँ जल भराव होता है तो वो कसूर किसका है, उसका दोषी कौन है? और ये प्लॉट नंबर आप देख रहे हैं सेक्टर, ये सेक्टर 2 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया H ब्लॉक 113 नंबर फैक्ट्री है। और यहाँ पर आप देखें एंक्रोचमेंट कितना अधिक किया हुआ है और उसके साथ साथ में नाली को किस तरह से ब्लॉक किया गया है। दिल्ली में चोरी होते जिम, सोता प्रशासन। जी हाँ, ये सच है। दिल्ली के हजारों पार्कों में सांसद निधि से दिल्ली नगर निगम ने जिम बनवाए थे। उच्चतम आधुनिक मशीनें लगवाई गई थी जिससे गांव, कॉलोनी और शहर में रहने वाले लोग पार्क घूमने आए तो फ्री में जिम कर स्वास्थ्य ठीक रख सके। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। बाकनेर गोंडा रोड पर बने MCD पार्क में लगे जिम की हालत देखिए। पार्क में टहलने आई महिला ने बताया, चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हैं, मशीनें टूटी पड़ी हैं, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूटी है जिसकी वजह से पार्क में पानी भरा रहता है जिसमें डेंगू मलेरिया होने का खतरा बना है। मैं इस समय मौजूद हूँ बाकनेर पार्क के अंदर और ये बाकनेर पार्क के अंदर ये सांसद निधि से ये जिम मशीनें लगाई गई थी और आप देख रहे हैं इनकी हालत। यहाँ से एक टुकड़ा गायब है, इधर से एक टुकड़ा गायब है, यानी रख रखाव का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इधर। यहाँ सुबह शाम महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बेचारे अपना जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपना सेहत को ठीक रखने के लिए यहाँ पर आकर थोड़े बहुत व्यायाम करते थे, लेकिन आप देख रहे हैं मशीनों को तोड़ दिया गया है, मशीनें उठा ले गए हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगती है, प्रशासन मौन बनकर बैठा हुआ है। क्या नाम आपका? ममता। ममता, कौन सी जगह है ये? ये बाकनेर। तो ये जो यहाँ जिम खाना जो बना हुआ है ये सरकारी है? ये सरकारी है, ये पार्क भी सरकारी है। पार्क भी सरकारी है। हाँ।
तो फिर ये जो है यहाँ पे काफी मशीनें टूटी हुई हैं, ये कब से हो रहा है? ये काफी दिनों से हो रहा है। ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे? मशीनें तो तोड़ दी गई है, जिम आने का क्या फायदा, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। तो इसकी कोई देख रेख नहीं करता यहाँ पे? कोई देख रेख नहीं है, पार्क में भी कोई साफ सफाई नहीं है, गंदगी फैली रहती है। जिस तरह से महिला ने बताया कि यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं है, तो लगता है कि जो हालात ये हैं यहाँ, काफ़ी समय से सफाई भी नहीं की गई है, और जबकि ये क्षेत्र जो है सिर्फ पक्का रहना चाहिए और यहाँ पर घास उगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर घास नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई सफाई व्यवस्था है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब ये देखिए, पहले तो ये उदित राज ने जो है यहाँ पर ये जिम खाना बनाया था, और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के थे, और अब ये देखिए नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी नरला एमसीडी जोन के अंडर ये आता है, और एमसीडी जोन है कि आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर कोई सफाई नहीं है कहीं पर भी किसी किस्म की, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। आखिरकार पार्क के अंदर कभी कोई आकर घूमने फिरने अभी आते भी हैं तो वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, लेकिन यहाँ गंदगी को देखकर उनका स्वयं ही मन नहीं करता, और ऐसे में ये भी नहीं पता लगता कि इस गंदगी के अंदर, ये देखिए चारों तरफ गंदगी के अंबार हैं। और ये एमसीडी की जो कूड़ा उठाने वाली जो मशीन है, गाड़ी है, हाथ गाड़ी, ये देखिए क्या हालत में है। अब सोचिए, और कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो है वो जिम खाने की है, और जो जिम खाना है उसके अंदर आधे से ज़्यादा मशीनें तोड़ दी गई हैं, उनके पुर्जे उठाकर बेच दिए गए हैं या क्या कर दिए गए हैं, ये तो जांच का विषय है। और ये देखिए पार्क के अंदर कहीं पर भी घास नहीं है जहाँ कोई बुजुर्ग बैठ के अपना आसन या कुछ भी कर सकता है। अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कूड़े का ढेर, यहाँ पर ये कूड़े का ढेर है, और इसके साथ साथ में ये देखिए पानी यहाँ पर लीकेज है, जो पानी पेड़ों में जाना चाहिए वो पानी बर्बाद हो रहा है। ये देखिए ये वाटर सप्लाई की लाइन है, ये पानी बर्बाद भी हो रहा है। और ये मच्छर भी पैदा कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और इस पानी के अंदर देखिए ये लार्वा भी पनप रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है मच्छर नजर आएंगे, और ये और इसके अंदर जो मच्छरों का जो लार्वा है वो आपको नजर आएगा। जिस तरह से साफ पानी कहीं पर भी भरता है, सब जानते हैं कि उसके अंदर डेंगू का लार्वा हो सकता है। अब जिस तरह से महिला ने बताया था कि यहाँ पर गंदगी बहुत है, लगता नहीं है कि यहाँ वर्षों से यहाँ से कूड़ा उठाया गया। अब ये देखिए जो कूड़ा डाल रखने के जो ड्रम है, जो बॉक्स है, वो किस तरह से फेंके गए हैं, यानी यहाँ अगर पार्क में आकर कोई कुछ खाता है, कोई सामान लेकर आता है, या कोई उनके हाथ में किसी किस्म का कोई भी डस्ट होता है तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो भी तोड़ कर फेंके गए हैं। यहाँ पे डबल मशीन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पार्ट को तोड़कर ले जा चुके हैं और दूसरा पार्ट ये छोड़ा गया है। अब महिला कहना है एक पैर से हम कैसे किस तरह से वर्जिश कर पाएंगे।
यूपीएससी परीक्षा में भोरगढ़ की बेटी ने जगह बना माता पिता का सपना किया पूरा। ऐतिहासिक गांव भोरगढ़ की बेटी रितिका लोहमोड़ पुत्र श्रीमती सुनीता देवी जय भगवान लोहमोड़ पुत्र श्रीमती परमेश्वरी देवी स्वर्गीय अनूप सिंह लोहमोड़ ने यूपीएससी परीक्षा में 935वां स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। रितिका का जन्म गांव भोरगढ़ निवासी अनु सिंह के यहां 20 अगस्त 1996 में सुनीता जय भगवान लोहमोड़ के घर हुआ। रितिका ने प्रथम शिक्षा जैन भारती पब्लिक स्कूल से की, द्वितीय शिक्षा माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली से और ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्बी कॉलेज से रितिका ने उच्च शिक्षा ग्रहण की। रितिका ने 6 साल का सपना किया पूरा। इस खुशी में रितिका का पैतृक गाँव भोरगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया। सभी ने रितिका को आगे बढ़ने और निष्पक्ष देश की जनता की सेवा करने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर बालकिशन जाटव, प्रहलाद सिंह जाटव, मांगेराम चौहान, भोरगढ़ आरडब्ल्यू अध्यक्ष शेर सिंह योगी, बीडब्ल्यू अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण सैनी, कुलदीप सिंह सैनी, नरेश राठौर, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास सिंह योगी, चाचा नरेंद्र कुमार, रूप कुमार, सुरेंद्र, ईश्वर सैनी, अशोक सैनी, प्रदीप सैनी, मास्टर अनिरुद्ध त्यागी, पंकज वार्षणे, चंद्रभान, राजेंद्र सैनी व बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सर, आज आपकी बेटी ने जो मान सम्मान बढ़ाया गाँव का, बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगा। और आज बिटिया का स्वागत किया गांव ने, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गांव वालों ने इतना अच्छा स्वागत का इंतजाम करा। कितनी मेहनत की बिटिया ने? बेटी ने बहुत मेहनत करी। बेटी का कहना है कि इसमें मेरे पिताजी और माँ ने बहुत मेरा साथ दिया है। हाँ, वो तो सब पेरेंट्स का, जब तक सहयोग नहीं होता तब तक कोई काम हासिल नहीं किया जाता। आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट भोरगढ़, क्या कहेंगे आज जिस तरह से बिटिया ने मान सम्मान गांव भोरगढ़ के लिए बड़ी खुशी का दिन है। इस गांव की एक बिटिया ने, रितिका ने, जो आईएएस का टेस्ट पास करके परीक्षा पास की है, ये इंडिया की सर्वोच्च शिक्षा है जिसको इसने पास करके इस गांव का नाम रोशन किया, इस समाज का नाम रोशन किया। और महिला शक्ति का जो प्रदर्शन उसने आज करके दिखाया, आज इस गांव की छोटी बेटियां भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगी और वो भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। पूरे गांव की तरफ से यहां उनका सम्मान किया गया, आरडब्ल्यूए भोरगढ़ की तरफ से भी उनका सम्मान किया गया, बहुत सारे गांव की अन्य जो भी संस्थाएं हैं सभी ने उनका सम्मान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिव कुमार जी। लड़की रेखा जी ने बहुत बड़ा काम किया, जो यूपीएससी में बढ़िया नंबर लेके डॉमोस्ट कर दी, जो भोरगढ़ का पूरा अच्छा नाम रोशन कर दिया। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, मैं भोरगढ़ में पिछले 20 साल से रहता हूँ और मुझे बड़े खुशी का एहसास हुआ जब इस गांव की एक बिटिया ने गांव का नाम रोशन किया है। और चाहता हूँ कि और भी बच्चे इससे प्रेरित होके अपने भविष्य को उज्जवल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अभिनय रोहतास सिंह योगी जब का नगर भोरगढ़, और आज मेरे साथ में है यूपीएससी पास कर दिया रितिका जी, हमारे साथ पहुंची है यहाँ पर और आज यहाँ पर मान सम्मान किया गया गाँव भोरगढ़ ने। और यहाँ तक पहुंचने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आज उन मुश्किलों को पार कर करते हुए यूपीएससी पास की है, तो कितनी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो कितनी खुशी है बस मिलकर। अच्छा लगता है Thank you.
किताबें दी हैं और बढ़िया गायक बने हैं आज, जो कि इसी गांव की गलियों में आज और बचपन के बाद जैसे किताबें मंजूरी दी गवर्नमेंट सरमेंट ने उसे एक लाख की मंजूरी सारे मंजूरी दी, लेकिन वो बचपन में महीने में आज फायदा नहीं चला और चुनावी मतलब से आज उनके यहाँ पर एक सम्मान मिला है। पशुभ्यः ओम सुशांत
श्रीमद्भागराधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिशक्तिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणो हरि द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतवनवन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भोरलोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत विमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महासंसारे आनन्दमने गौरीमुखे त्रिदन्तके विराजते भागीरथ्याः पश्यमृगभागे श्रीशुभषष्ठी संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनाम्ने संवत्सरे श्रीमार्तण्डोत्तरायणे वसन्तऋतौ महामाङ्गल्यपूर्णमासोत्तमे मासे Thank you.
देना है, किसको दान देना है।
Thank you.
एक खास मुलाकात उत्तर प्रदेश में नाथ के बंधुओं से। आखिर हर बार शोर मचाते हो, क्या कारण है? क्यों हर बार चुनाव के समय नाथ, योगी, जोगी, उपाध्याय, गिरी, पूरी भारतीय, भूमिक, जंगम, सपेरे पौधे और भी अन्य राज्यों में अन्य नाम से पुकारा जाता है गृहस्थी नाथ समाज को? बड़ी संख्या रखते हैं पर क्या कारण है? संसद और विधानसभा में जाने वाला रास्ता क्यों भटकते हैं? सरकारें क्यों करती है अनदेखी? समझेंगे हर सवाल पर कैप्टन योगी सुभाष चंद्र उपाध्याय की जुबानी। और जानते हैं क्या फौजों को खाना घटिया दिया जाता है? क्या अग्निवीर के नाम पर युवाओं का भविष्य अंधकार में है? योगी सुभाषनाथ जी हैं, कैप्टन योगी सुभाषनाथ जी, और आज हम बात करते हैं 2024 के चुनाव की। और आप नाथ समाज से ताल्लुक रखते हैं, नाथ समाज के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है। और बात करते हैं कि क्या कारण है कि हर चुनाव में नाथ समाज के नेताओं की अनदेखी कर दी जाती है, क्योंकि बहुत से जनसेवक हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है लेकिन कोई भी पार्टी मौका नहीं दे रही है। उसके बारे में जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और रही चुनाव की, अब की बार चुनाव में 400 पार हैं भारतीय जनता पार्टी, और फिर दोबारा मोदी सरकार आ रही है। और आपने बात रखी नाथ समाज की, नाथ समाज की अनदेखी हो रही है, ये कहीं तक आपकी बात जायज है, क्योंकि तो इतना बड़ा इलेक्शन है, 545 सीटें हैं और हमारे नाथ समाज का कहीं आसपास तक नहीं है। लेकिन हम भगवान आ रही हैं, हम बहुत ठंडे हैं। ये जो योगी योगी नाथ समाज है बहुत ठंडा है, बहुत बोला है और सबर से चलता है। हमें ये सबर है कि ठीक है, हमें लोकसभा की टिकट नहीं दी, लेकिन हम चाहते हैं, हमें विश्वास है कि राज्यसभा तक भारतीय जनता पार्टी योगी योगी नाथ समाज में किसी न किसी बंदे को जरूर आके लेके जाएगी। कितने तादाद है आपके समाज की? हमारी समाज की पूरे इंडिया में 19 से 20 करोड़ की हमारी आबादी है, और करें हम राज्यों की, उत्तर प्रदेश में हमारी 60 लाख के करीब है, उत्तराखंड में 12 लाख के करीब है, हरियाणा में 22 लाख के करीब है, और राजस्थान में हमारी जो संख्या है वो करीब 44 लाख के करीब है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हमारी और ज़्यादा है, 38 लाख के करीब है। सभी राज्यों में जो हमारी योगी योगी नाथ समाज की जो नाथ संप्रदाय की काफ़ी संख्या है, और हम हार जीत का फैसला भी करते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है भोला समाज है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि जागृत नहीं है, जागृत है, लेकिन बहुत संयम समाज है और संयम से ही रहता है। और राजनीति क्या है? राजनीति ये है कि जब तक आप शोर नहीं मचाओगे आपकी कोई सुनता नहीं है, ठीक है। अभी तक हमारे समाज ने भी शोर नहीं मचाया। अभी हम राजस्थान में हमारी एक बड़ा रैली हुई, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश, अभी हम उस लाइन पर चल पड़े हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाली विधानसभा में और 2024 के या लोकसभा के इलेक्शन के बाद जरूर हमारे 2-4 बंदे राज्यसभा तक पहुँचेंगे। जिस तरह आपने कहा, दो रैली हुई है हमारी और उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफ़ी रैलियाँ हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, सम्मेलन और होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा की बात अगर हम करते हैं तो हरियाणा के अंदर अभी खट्टर जो सरकार थी पहले, खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री, उस समय दो कम जनसभाएं, भारी भारी जनसभा थी और आप काफ़ी बड़ी तादाद में जो है नाथ संप्रदाय का व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा था, महिलाएं भी, पुरुष भी, जवान भी, सभी पहुँचे थे वहाँ पर।
तो ऐसी क्या कारण है कि उसके बावजूद भी अनदेखी है, क्योंकि आपका भी साफ तो नहीं तो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए। देखो साहब, आपको मैं बताता हूँ कि हम तो भोलेनाथ और गुरु गोरखनाथ के वंशज हैं, उनके मार्गदर्शन से हम चलते हैं, वो ठंडे हैं, लेकिन जो हमारी जो आवाज़ है वो सीधे ही भोलेनाथ और गुरु गोरखनाथ तक जाती है। जो वो करते हैं वही करते हैं। रही हमने खट्टर साहब के बहुत बड़े प्रोग्राम किए हैं और समाज को सम्मान नहीं मिला, और ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार का है, मोदी जी का है। इस पर तो हम आप बीच का एक कमल पर ठप्पा मारेंगे और कमल के साथ हैं, रहेंगे, आगे भी हैं, लेकिन आगे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें हम भी थोड़ा सोचेंगे, हम भी निवेदन ही करेंगे, क्योंकि हम भगवा हैं, ये बीजेपी पार्टी भगवादारी है, ये हमारी ही पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी मानते हैं हम, लेकिन अपनों से भी अपने हक के लिए बोला जाता है, हम जरूर बोलेंगे, जरूर समाज की बात आगे रखें। आदत तो जगानी जरूरी होती है। अब इसी बात को ले लेते हैं, गोरखनाथ जी के जो शिष्य हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो सिद्धपीठ की गद्दी है गोरखनाथ जी की, उस गद्दी के वो मेहनत हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने जो है एक आवाज़ नहीं उठाई गोरख धंधे के ऊपर। हाँ जरूर, योगी साहब ने हमें सबसे पहले, तो योगी साहब को हम प्रणाम करते हैं, आदेश करते हैं, क्योंकि वे भी एक भगवानदारी हैं और बहुत बड़े प्रदेश के राजा हैं, लेकिन ये जो योगी जोगीनाथ समाज है, जो हमारा चोला भी से ही आज वे मुख्यमंत्री बने हैं, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, थोड़ा हम दूसरे को समाज को देखना नहीं, लेकिन हम नाराज हैं। हम इसलिए नाराज हैं, पहली बात तो हर कोई मीडिया वाला, कोई अधिकारी गोरख धंधे का शब्द यूज करता है, उस पर बैन लगना चाहिए, उस पर अंकुश पूरे जोर से लगना चाहिए। दूसरा, इससे भी बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हर समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं सबकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, और मैंने देखा कि योगी साहब भी मंदिरों में जाता है, पीछे रविदास की जयंती थी उसमें भी मंदिरों में गया और बधाई दी पूरे देश को, और भी महर्षि वाल्मीकि, और भी बहुत है महापुरुष हैं उनकी, लेकिन आज तक गुरु गोरखनाथ की जो प्रगट दिवस है उसके ऊपर कभी भी सामने आकर के बधाई नहीं दी। हम भी चाहते हैं, हमारा भी मन करता है कि हमारे जो राजा हैं, हमारे जो योगी साहब हैं, योगी योगीनाथ समाज को भी बधाई दें, पूरे देश को बधाई दें। हमें भी गर्व हो कि हमारा भी गुरु गोरखनाथ की प्रगट दिवस की बधाई आई है। हम उस दिन पूरा, जो हमारे कान हैं, हमारी आँखें हैं, पूरी सोशल मीडिया पर रहती हैं, लेकिन ये सब सुनने को नहीं मिलता है, तो बालकनाथ के भी मुँह से भी नहीं मिलता है, ऐसे चुपके से कर देते हैं, लेकिन ओपनली नहीं आता। लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल ओपन आवे, खुल के आवे। अभी आगे 23 मई को गुरु गोरखनाथ का प्रगट दिवस है, जो हरियाणा सरकार ने छुट्टी भी घोषित करी है। हमारे तभी भी हमारी आँखें और हमारे कान योगी साहब तक बिल्कुल हमारी सुनने के लिए पहुँचते हैं, हम देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम भी आगे एक्शन लेंगे। अगर ये भी नहीं तो गुरु पूर्णिमा को तो उनसे कुछ कह सकते हैं, और गुरु पूर्णिमा तो बहुत बड़ा मेला लगता है। नहीं सर, बात है गुरु पूर्णिमा की नहीं है, हम तो गुरु गोरखनाथ प्रगट दिवस की बात करते हैं। और मैं पीछे खट्टर साहब से मैंने बात किया, मैं एक प्रोग्राम किया था पिछले साल 4 मई को, तो खट्टर साहब ने बोला कि साहब हमें भी तिथि का ही नहीं पता। अरे इतने बड़े संत हैं, किसी प्रदेश के राजा हैं, और अभी तक उसी के कारण आज मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, और किसी को ही नहीं पता कि गुरु गोरखनाथ का प्रगट दिवस कब है। तो ये हमारे लिए थोड़ा इतिहास तो नहीं के पास। हाँ बिल्कुल है जी, ये इतने बड़े संत हैं, नाथ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाथ समाज सब कुछ उनके पास में है, एक बार डिक्लेयर कर दे कि नाथ भाई गुरु गोरखनाथ का प्रगट दिवस हो, इन शोर है ना। हाँ लेकिन अब की बार है हरियाणा सरकार ने कर दिया। हाँ देखो, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, अनदेखी मानूंगा मैं तो, ठीक है, क्योंकि देखो ये राजनीति से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, और योगी साहब से मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि नाथ संप्रदाय के हैं। अच्छा, आपके नाथ समाज के जो लोग हैं वो अन्य अन्य प्रदेशों के अंदर किस किस्म जाति से नाम से? देखो साहब, मैं तो हम यही है, योगी योगी नाथ गिरी पूरी गोस्वामी सारे जो 10 नामी हैं ये सब नाथ संप्रदाय से लिया पंथ है। सभी जी पंथ है, जाति नहीं है, जाति तो बना ली। हाँ जी, हाँ जी, पंथ है ये, जाति नहीं, और इसमें सर्व धर्म सर्व जाति, ये समुंदर है। हाँ, जिसका अपनी जाति से मन बन गया वो हमारे बिल्कुल राजा भरतरी थे, राजा थे, और वे फिर बाबा गोरखनाथ के शिष्य बने, गोपीचंद थे, राजा थे, वे भी फिर जोगी बने। बहुत इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है नाथों का, तो ये तो समुंदर है, भोलेनाथ है। आप भी कोई संस्था चलाते? मैं
योगी जोगी नाथ समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इसी नाथ समाज के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं इंडियन आर्मी का एक जवान हूँ, एक अधिकारी हूँ और सेना तो मेरे दिलो जान में बसी हुई है। हाँ जी, मैं सेना की कैप्टन पद से मैं रिटायर हूँ। तो कैप्टन साहब, हमें और जान लेते हैं उसने कि अभी पीछे जो है अग्निवीर को भी लेकर कुछ बातें होती थी, देश के युवाओं को बदलाया जा रहा है। अग्निवीर एक जवान के लिए आप ये मान के चलो एक ऐसी ट्रेनिंग है जो पूरी लाइफ उसके काम आएगी और उसके भविष्य के काम आएगी। जो चार साल फौज के अंदर ट्रेनिंग करके सर्विस कर लेता है, आप ये मान के चलिए वो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर बन गया है। वो कहीं भी काम करके रह सकता है और उसको बाहर आते बड़ी नौकरी मिलेगी, उसका तो भविष्य बनता है, नो डाउट। कुछ सेना के लोगों ने दिया, कुछ सेना के जवान थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी पीछे कि हमें अच्छा अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, हमें ट्यूशन नहीं रखा जा रहा और यह है जो अभी पीछे पुलवामा में हमला हुआ था उसमें भी कहा था कि ये मोदी सरकार ने जो उनकी भेड़ चढ़ा दिया। नहीं सर, फौज के अंदर जो खाना है मैं मान के चलता हूँ अच्छे अच्छे रईसों के घर में खाना नहीं मिलेगा, दो दो सब्जी दाल चपाती खीर पूरी अपने ये नहीं मान सकते, सब कुछ सेना का जो खाना है नंबर वन। सेना के खाने में, सेना के रहन सहन में, पहनावे में कोई तुकाई नहीं कर सकता। सेना मनोबल इसीलिए बढ़ता है, सेना एक ऐसा संगठन है जहां पर हर चीज़ का प्रॉपर विश्वास और डिसिप्लिन से काम होता है। जो कह रहे हैं कि पुलवामा हमले में जो है कि हमने जानबूझ के सैनिक का मजा आया, नहीं नहीं ये सब गलत है, क्योंकि एक देश का राजा सबके साथ में कुछ भी राजनीति हो सकती है लेकिन सेना के साथ नहीं, क्योंकि सेना के कारण ही देश चलता है। आज यही पाकिस्तान है, यही चाइना है जो अपने घर में चुपचाप रहता है, नहीं तो आपने देखा होगा कहीं फायर हो रहा है, कहीं पर घुसपैठ हो रही है, आज कहाँ नहीं, क्योंकि आज का आदेश ये है, ये भगवान का आदेश ये है, भारतीय जनता पार्टी का आदेश ये है, अगर दुश्मन की एक गोली आती है तो आप हज़ार गोली मारते हैं। और वही चाइना है, आज इससे पहले आपने देखा होगा चाइना की फौज ही हिंदुस्तान के जवान पर हैवी होती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान का जवान चाइना के जवान को भगा भगा के पीटता है, कुछ आता है, आपने कई वीडियो भी देखी होगी। तो आज जो हिंदुस्तान है बहुत आगे है और एक ताकतवर देश है। बहुत बढ़िया, और हमारा जो दर्शक जो देखे मैं दर्शकों से यही कहूँगा अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराए और दो एक बार फिर मोदी सरकार आए, क्योंकि ये जो पार्टी है राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के हित में काम करती है और हमें पूरा विश्वास है अगले 5 सालों में ऐसे ऐसे निर्णय होंगे कि देश एक महाशक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और आने वाले समय में जो हिंदुस्तान है विश्व का नंबर वन देश होगा। जय हिंद, जय भारत। आपने कहा नहीं भगवान को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि भगवान भी देख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ये 5 जून तक नहीं, 5 जून के बाद में अपना मैसेज पास करेंगे इसका लिए। और आप थे कैप्टन योगी सुभाष नाथ जी जो नाथ समाज से हैं और हमने सभी सवालों के जो है जवाब मांगे हैं। और आपको बता दें सृष्टि जो है जब आरंभ होती है तो सुबह का सूरज भगवा लेकर आता है और भगवा लेकर ही लिप्तों पर जो है वो लुप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा की, जो भी जो चीज़ें अगर आती सृष्टि पर वो सभी भगवे में आती है, तो अब देखना होगा कि अब भगवे में लिप्त होकर फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी आती है या नहीं आती है, और उसके बाद फिर नाथ समुदाय को जो है कितना भरोसा है सरकार पर, भारतीय सरकार जो दोबारा आने वाली है उस पर कितना भरोसा रहेगा और आगे कितना भरोसे वो फिर खड़ी उतरेगी, इसके लिए मैं फिर आगे जाके बात करेंगे। बने रहिए टेलर नंबर। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम, बैरिगेटिंग तोड़ी, पुलिस से धक्का मुक्की, 34 ट्रेन प्रभावित, 11 हुई कैंसिल। विश्व भर में इस वर्ष की नवरात्रि खास रही। अयोध्या में श्री राम पधारे तो नरेला में मना हिंदू नववर्ष महोत्सव। श्री कृष्ण ने रचा चक्रव्यूह। जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज के मुखारविंद से सुनी श्री राम कथा। जीत थक नहीं जाती क्या?
हाँ सही है कि तुझ में आकर मिलना ही है हर योद्धा की नियति। और कुछ मर्यादा, कुछ शालीनता, कुछ तो संयम रख लेती। लील रही तू जिस हिसाब से पुरुषों हाथी घोड़ों को, इतनी तो चिताएं भी दुर्लभ फूकने लाखों करोड़ों को। आलोक जी क्या कहेंगे जो आज नौ दिन का अनुष्ठान किया गया है और राम कथा हुई है यहाँ पे? अद्भुत है, और ये इसलिए है कि राम कथा इतिहास नहीं है, वो वर्तमान भी है, वो भविष्य भी है। राम के जीवन में जो समस्याएं आई थी, राक्षसों के रूप में आतंकवाद का राज्य, महिलाओं का अपमान, समाज में विषमता, वो समस्याएं हर युग में आती हैं। हर युग में राम कथा लोग पढ़ते हैं, संकल्प करते हैं उनसे जूझने का, विषमताओं को दूर करने का, अभावों को दूर करने का, संपन्नता को प्राप्त करने का। वैसा इस कथा से भी होगा, और राम मंदिर के प्रभाव से, राम कथा के प्रभाव से भारत सामर्थ्यशाली, बलशाली, समरस और वैभव संपन्न। आज नीतीश जी के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जा रही है, क्या कहेंगे? क्या ये चक्रव्यूह 2024 का है? ये चक्रव्यूह मानव के अंतर जगत का है, जिसमें वो द्वंद्वों से ऊपर उठ करके सत्व में स्थापित होता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। धन्यवाद। नरेला में जगह जगह लगे भंडारे, माता रानी के 9 अवतारों की हुई पूजा, राजेंद्र सिंगल वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चों को कराया भोजन। प्रतिवर्ष करते ही ये है, परंतु अब आज की रामनवमी एक विशेष है। 500 वर्ष में पहली बार जो है अयोध्या में रामलीला प्रकट हुई है, और वो पहली रामनवमी हम सब लोग पूरे वर्ल्ड में विश्व में मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। नरेला कंफर्ट जोन में लववंशी खत्री खाप ने धूमधाम से मनाया श्री राम नवमी और बुजुर्गों में प्रतिभाओं को किया सम्मानित। देखे क्या कहते हैं लववंशी। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप आर्य जी। आर्य जी क्या कुछ कार्यक्रम था आज? आज कार्यक्रम था रामनवमी का, भगवान राम जी का जन्म उत्सव मनाया गया, और 400 प्लस गांव से जो भी हमारे लववंशी भाई थे इस कार्यक्रम में आए, और पुरस्कृत किया गया जो खेल में अच्छे बच्चे हैं खाप के, और जो शिक्षा के क्षेत्र में कोई DD, कोई अपनी कंपनियां चल रही हैं बड़े बड़े उच्च पदों पर, कोई मेजर है, कोई जनरल है, ऐसे बच्चों का आज सम्मान किया गया। कितने वर्ष हो गए? बुजुर्गों का सम्मान किया गया जो 80 प्लस के बुजुर्ग थे। कितने वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए? इस कार्यक्रम को तो लंबा अंतराल हो गया चलते हुए, परंतु 2 साल से नरेला ने ये रामनवमी मनाई है। पिछले साल भी नरेला में थी, और अब की बार भी नरेला ने मनाई है। अब अगली जो है इस्माइला ने जिम्मेवारी ली है, वहाँ मनाई जाएगी, और बड़े धूमधाम से 10,000 लोगों के खाने पीने निमित्त और यज्ञ वगैरह के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया सुबह से। भाई मेरा नाम प्रदीप थोड़ेदार है, मैं नरेला का नगर सेवक हूँ भाई जी। क्या कुछ कार्यक्रम था प्रदीप जी आज? आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आज यहाँ कंफर्ट जोन में लववंशी खत्री खाप की तरफ से रामनवमी का एक भव्य आयोजन किया गया। क्या कुछ विशेष रहा इसमें? विशेष ये रहा, हमारे लगभग अपने लववंशी खत्री खाप के 485 के करीब करीब हमारे गांव हैं पूरे भारतवर्ष में, तकरीबन सभी ने यहाँ शिरकत की, भाईचारा इकट्ठा हुआ, आपस में एक अपनी जान पहचान पड़ी, भाईचारा इकट्ठा होकर के सब प्रसाद ग्रहण करा और भगवान राम की रामनवमी मनाई। इस कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य सिर्फ यही है कि मेरा भाईचारा कहाँ कहाँ तक मतलब विकसित है, और मेरी लववंशी खत्री खाप का उत्थान किस प्रकार से होगा, मेरा मतलब मेन उद्देश्य ये है। दूसरा ये भी है कि भाई हमारे जाट भाई, हमारे लववंशी खत्री भाई कहाँ कहाँ पर विस्थापित हैं और कौन कौन किस किस पद पर बैठे हैं, ताकि हम एक दूसरे पर बड़े पदों पर बैठ करके एक दूसरे को हम किसी न किसी रूप में मतलब सहायता प्रदान करें और भाईचारे का परिचय दे सकें। सर मैं राम कुमार खत्री लववंशी है खत्री खाप का मेम्बर हूँ, मैं नरेला निवासी हूँ। कितने वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए? इस कार्यक्रम को चलते हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। दादा राजपाल जी ने ये शुरुआत की, उसके बाद उनके पुत्र यशपाल जी ने इसको चलाया, उसके बाद नेपाल जी ने कुछ टाइम के लिए इसको चलाया, फिर नेपाल जी के स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण नेपाल जी ने, चौधरी रणवीर सिंह खत्री ने
ये काम संभाला जिसको खत्री खाप ने इनको ये जिम्मेवारी दी। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य इसके पीछे एक ही है, अपनी आने वाली जनरेशन को खत्री खाप के जो हमारे वंशज हैं और हम उनके वंशज हैं, तो उनको ये बताना कि हम खत्री खाप नववंशीय खत्री खाप से संबंध रखते हैं, तो वो भी आगे इस चीज़ को आगे ले जाए और आप अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं और सबका भला हो। और जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम प्रोफेसर रोहतास लव खत्री जी, मंच संचालक और महासचिव अखिल भारतीय नववंशीय खत्री खाप जी। क्या कुछ कार्यक्रम, कौन सी जगह आज हम आम गांव नरेला में जिससे सभी नववंशी खत्री भाइयों की निकासी हुई है, आज गांव नरेला में हमारी खाप के लगभग 400 प्लस गांव हैं, जो हर एक गांव से सभी मौजूद व्यक्तियों को यहां पर बुलाया गया है और रामनवमी का आयोजन किया गया है। वैसे तो रामनवमी भारत ही नहीं विश्व में मनाई जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने लोग विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं वो सभी अपने अपने स्तर पर रामनवमी मनाते हैं। लेकिन जैसा हमारा इतिहास है, पुरखों ने बताया है और जो भाट होते हैं उनके से जो हमने इतिहास निकलवा उसके आधार पर हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। हमारी निकासी लाहौर से है, जो कि यहाँ नरेला में आकर के बसे थे और नरेला से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लगभग 400 गाँवों में, उससे वैदिक गाँव में सभी नववंशी भाई निवास करते हैं, जिसकी तैयारी हमारी एक कमेटी जो है लगभग 2 महीने पहले शुरू कर देती है। चौधरी रणबीर सिंह जी जो हमारी खाप के अध्यक्ष हैं गांव नरेला से, चौधरी रणबीर सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में यह दूसरी रामनवमी है। वैसे तो हमारी अखंड जोत चल रही है पिछले लगभग 15-16 वर्षों से, हर बार हर एक नए गाँव में रामनवमी का आयोजन किया जाता है। और तकरीबन कितने लोग इकट्ठे हुए हैं? हजारों की संख्या में यहाँ पर हमारे नववंशी भाई इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ रामनवमी एवं राम जन्मोत्सव मनाया है। और इसके साथ साथ हमारे समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं, सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करना चाहते हैं। सेवा आप लोग करें, ना लाठी दिखाओ ना डंडा दिखाओ, सिर्फ जय श्री राम बोलो, हमारा राम भक्त शांत हो जाएगा। अरे वो समय पर लाठी चली थी, हम नहीं रुके, वो समय पर गोली चली थी, हम नहीं रुके, डंडे की चोट पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने बनाकर बताया है, ना लाठी से से निवेदन है, शांत खड़े रहो, एकदम शांत। सिर्फ यहां पर मैं एक 10 मिनट आपको लेना चाहूंगा। आज के जितने भी जो हमारे नौजवान जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको बस यही संदेश देना चाहूंगा, आज के हमारे भारत का वो हिंदू
ये सोचता है, ये समझता है। आज के हर हिंदू को सोचने और समझने की आवश्यकता है। सनातन को खत्म करने की जिस प्रकार से हो रही है योजना, उसको जानने की और उसको समझने की कोशिश करो मेरे मित्रों। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के जो हमारे बच्चों के जो माँ बाप हैं, उनकी सोच कहाँ जा रही है, और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों की सोच कहाँ जा रही है। जो हमारा हिंदू है, जो उनके माँ बाप है, वो यह सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, देश का भविष्य और धर्म के लिए कार्य करते रहे, ये मैं भी सोचता हूँ। लेकिन आजकल के माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारे भारत में लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर हमारे हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। ये भी सोचने और समझने की आज आवश्यकता है। आज के माँ बाप धर्म रक्षा से दूर रखते हैं, आत्मरक्षण से दूर रखते हैं बच्चों को। ये आने वाले समय में बहुत घातक रहेगा, ये हमारे उन माँ बाप को कहना चाहूंगा। और आजकल के माँ बाप ये कहते हैं कि तुम बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, इनसे ना जुड़े, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में धर्म का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, आत्मरक्षण भी बहुत जरूरी है। अरे जो सरफिरे होते हैं ना, वही इतिहास लिखते हैं। अरे पढ़े लिखे लोग तो सरफिरों का इतिहास पढ़ते हैं मेरे मित्रों। अरे आज हमारे भारत में एक ऐसा भी समय आया है, हमारे भारत में कुछ ऐसे लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है जिसको रोकना नामुमकिन है मेरे मित्रों। हमारे दुश्मन की क्या तैयारी है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इनको भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना दो तो ये हामिद अंसारी बनकर कहेंगे कि भारत का मुसलमान खतरे में है। अगर इनको हम भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना दो, अगर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दो तो फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती बनकर कहेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अरे अगर इनको मिनिस्टर बना दो तो सिद्दीकुल्ला बनकर ये कहेंगे कि ज्ञानवापी में पूजा रोकी जाए। अरे अगर इनको सांसद बना दो तो ओवैसी बनकर 15 मिनट का टाइम पूछेंगे। अगर इनको विधायक बना दो तो 15 मिनट का टाइम पूछेंगे। अरे अगर इनको नगर निगम पार्षद बना दो तो ये अतिक हुसैन बनकर हिंदुओं को घरों को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। मेरे मित्रों अगर इनको एमबीबीएस जैसी बड़ी उपलब्धि दिला दो तो अफजल गुरु जैसे बनकर संसद पर हमला करने की सोच रखेंगे। अगर इनको याकूब मेमन जैसे जो चार्टेड अकाउंटेंट था, अगर इनको चार्टेड अकाउंटेंट बना दो तो याकूब मेमन बनकर ये बम धमाके करेंगे, मासूम लोगों को मारेंगे। चाहे जहां रहे, जिस पद पर रहे, जिस स्थिति में रहे, हमें ये इनके दिमाग में सिर्फ जिहाद लिखा हुआ है। चाहे ये 100 साल का बूढ़ा हो या 15 साल का बच्चा हो, इनकी नस नस में एक ही भरा जाता है, जिहाद करो, हिंदू को काफिर बोलो, हिंदू को मारो। और हिंदू को 15 साल का बच्चा हो, इनकी नस नस में एक ही भरा जाता है, जिहाद करो, हिंदू को काफिर बोलो, हिंदू को मारो और हिंदू को लूटो। यही इनको सिखाया जाता है, यही इनको बताया जाता है मेरे मित्रों। अरे कुछ दिन पहले संसद में ये ओवैसी खड़ा होकर ये कहता है, बाबरी मस्जिद मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को आने वाली पीढ़ी को हम भूलने नहीं देंगे। वो कहता है हम शहादत को भूलने नहीं देंगे। वो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, ये तो अनपढ़ गवार बुजदिल
भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे ओवैसी, जैसे तू तड़प रहा है ना, जैसे तू तड़पता है ना किसी भी आतंकी को, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी को ठोकते हैं, अगर किसी को ठोकते हैं, तो ये ओवैसी ऐसा रोता है जैसे इसके अब्बा की कोई नाजायज औलाद को ठोक दिया गया। अरे मैं 10 मिनट कह रहा हूँ कि शांत रहो, हमें आगे भी जाना है, अभी बहुत बाकी है। तो मैं उस ओवैसी को जो लेफ्ट में जाते ही उसका अड्डा है, उसको कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे, हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। अरे फूल बरसाया जाएगा ये हमारे बाबा जी ने कह दिया है, तो अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में, भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापिस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। बोल उठा है तलवारें चमकने लगी। स्वर्गीय माता पिता की इच्छाओं को पूरा किया बेटी ने, भाई भाभी ने किया हौसला बुलंद, तो लक्ष्मी खोबा ने यूपीएससी पास कर प्राप्त किया 884वां रैंक। नरेला निवासी रामपाल खोबा के पुत्र स्वर्गीय राजकुमार खोबा व पुत्र वधु स्वर्गीय श्रीमती लीला देवी की बेटी लक्ष्मी खोबा ने यूपीएससी 2023 पास कर दिल्ली के देहात क्षेत्र नरेला का सम्मान बढ़ाया है। लक्ष्मी बेटी को बधाई देने व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देने पहुंचे पूर्व आईपीएस दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर सेवादास श्रीमती मंजू दास, नरेला निगम पार्षद श्वेत कमल जगदीश खत्री, भाजपा रोहिणी, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम, दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति उपाध्यक्ष अशोक अमरोही, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन रजिस्टर एनजीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता योगी, गो भक्त राजेंद्र प्रसाद सिंगल, मोहित गुप्ता, संजय बंसल, अजय जाटव भोरगढ़, सुरेंद्र मेहरोलिया, शिव कुमार सिंगल, श्रीमती सुषमा सुनील कुमार, रेखा अशोक कुमार, राजीव कुमार, विकास बंसल, दीपक कुमार, अरुण कुमार, सुरेंद्र खोबा, दीपक अजीत खत्री व बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथियों ने बिटिया लक्ष्मी को शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया। भाई सुरेश कुमार जीएसटी ऑफिसर व भाभी प्रियंका आयकर विभाग ऑफिसर व छोटे भाई विपिन ने बताया, हमारे माता पिता नहीं है लेकिन बहन को कभी महसूस नहीं होने दिया और माता पिता का आज सपना पूरा हुआ है। लेकिन लक्ष्मी का कहना है कि मुझे पूर्ण रूप से खुशी तब होगी जब मैं यूपीएससी परीक्षा में आगे और अच्छा मुकाम हासिल कर लूंगी। दादी जी का कहना है एक तो दलित समाज और फिर ग्रामीण क्षेत्र और उस पर भी बिना माता पिता की बेटी इस तरह आगे बढ़ना बहुत मेहनत की बात है। अजय नाम है मेरा, कहाँ से है? जी क्या कहेंगे आज लक्ष्मी जिस तरह अचीवमेंट की है? लक्ष्मी हमारी गुड़िया, हमारी बहन है, छोटी बहन है। बहुत अच्छा है कि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे नाम रोशन करे, ऐसी चाहिए उसे दूसरे बच्चों के लिए मिसाल बने और प्रेरणा ले बच्चे दूसरे और आगे बढ़े। प्रतिभाओं को समाज से जोड़ना जरूरी है। इसलिए क्या है कि ये समाज जो समाज से है, समाज में बहुत दबके रहा है समाज, उसमें ऐसे चांसेस बहुत कम पाते हैं, वैसे बच्चे मिलेंगे तो सारा समाज आगे बढ़ेगा, बढ़ेंगे तो फिर ये जो जो है जिसमें कैटेगरी जो कैटेगरी मिली हुई है वो धीरे धीरे हट जाएगी, सब एक ही धरातल पर रहेंगे, एक ही ग्राउंड मिलेगा खेलने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, देश तरक्की करेगा। मेरा नाम सुरेंद्र मेहरोलिया है। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने नाम के अनुरूप होता है और लक्ष्मी ने जिस काबिलियत से, जिस मेहनत से आज गाँव का नाम रोशन किया है, एक ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट, साधन संसाधन ना होते हुए भी, और ग्रामीण एरिया में सरकार और प्रशासन का कोई मतलब इस तरीके का कोई सुविधा भी नहीं है,
सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे इतनी अच्छी अचीवमेंट गाँव के ग्रामीण क्षेत्र से कर रहे हैं, तो सरकार को इसको और ध्यान देना चाहिए कि आज एक लक्ष्मी निकली है, कल बहुत सारी लक्ष्मियाँ दिल्ली देहात से निकले और देश का नाम रोशन करें। कैसा लग रहा है आज आपके? कुछ नन्हे नटखटी यादें याद है? और आज जी आपके बेटे ने आपके बराबर मुकाम पाया है। हाँ जी, ये तो बहुत खुशी का मौका है, इस लड़की ने जो मुकाम पाया है इट्स ए वेरी रेयर अचीवमेंट के जिस बैकग्राउंड से जिस स्कूल से ये आई है, यू नो दिल्ली और कई अच्छे स्कूल की हो तो बात अलग है, लेकिन ये एक रूरल बैकग्राउंड के स्कूल से आके और IAS में कम्पीट करके और उसमें आना अपने आप में बहुत ज़बरदस्त उपलब्धि। हम इसके मेरा जितना गुणगान गाए उतना ही कम। गौतम जी क्या कहेंगे आज लक्ष्मी ने जिस तरह से अचीवमेंट किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है? बच्ची ने यूपीएससी के नरेला का नाम रोशन किया है, मेहनत करके अपने परिवार का नाम रोशन किया, बच्ची पली और पलने के बाद आज अपने पूरे परिवार का साथ साथ हमारे नरेला क्षेत्र के अंदर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद अपने देश की सबसे उच्च शिक्षा के अंदर आज UPSC के अंदर अपना रैंक हासिल कर इसका ग्रहण करके परिवार का भी और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। मैं अपनी तरफ से महिला दिवस होने के नाते उसको हत्या की गहराई से बधाई देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही खुशी का अवसर है, एक बिटिया ने इतना बड़ा काम किया है जो है कि वो IAS में सिलेक्ट हुई है, जो है हमारे लिए ये ऐसा क्षण है कि इसमें हम खुशी में कुछ क्या है कह ही नहीं पा रहे बहुत ज़्यादा जो है। और इस परिवार से मेरे इनके दादाजी से संबंध थे और हम घूमने जाते थे, दोनों से संबंध है, बहुत बढ़िया काम किया गया, भगवान इनको ये जीवन दे जो है। और ये IAS में नई ऊँचाइयों को छोड़े यही मेरी पत्नी से। मेरा नाम सुरेश कुमार। क्या कहेंगे आज आपकी बहन ने इतना अच्छा जो कार्य किया है? मैं बहुत खुश हूँ आज, मतलब एक सपना ऐसा ही पूरा हुआ है मेरा कि मेरी बहन का सिलेक्शन UPSC में हुआ। तो ये सपना आपका था या उसी का खुद का था? सपना हमारे पूरे परिवार का ही था, मेरे फादर मदर मेरा मेरे का सबका सपना था और हमारे पूरे परिवार का, क्योंकि हमारे परिवार में सबसे पहले हमारे दादाजी थे जो IPS लगे थे, उसके बाद से हम लोग बच्चे लोग सोचते थे कि हमें अपने दादा जैसा बनना है, वो सपना हमारी बहन ने पूरा किया। दादा जैसे बनाया? दादा जैसे बनाया। जिस तरह हमारी संस्था कार्य कर रही है बहन बेटियों के लिए कि बहन बेटियां हर कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने देश और अपने परिवार का नाम रोशन करें, तो हमको बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई। कितनी खुशी हो रही है आपको? इतनी खुशी है कि मैं बेहद बहुत। अच्छा, शरारत भी करती थी पहले? शरारत भी थी, करती भी। अच्छा, कितनी शरारत करते थे पहले ये? मतलब पहले तो अच्छी शरारत भी करा करते थे और बहन के साथ, मतलब और इसकी दावी बातें बने भी नहीं करते, जिद भी करते थे। जिद भी करते दोनों बहन। आज कितनी खुशी है? आज बहुत ज़्यादा खुशी है, इतनी हम इसकी ज़्यादा पूरी वो नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपने रोहतास से योगी आज आपको लेकर आया नरेला, और आज एक मान सम्मान की बात है, एक क्षेत्र का भी मान सम्मान बढ़ा है, देश का भी मान सम्मान बढ़ा है। और आज हमारे साथ में जो बहन बैठी है, आज इसने UPSC में अपना रैंक पाया और रैंक पाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, कौन सा रैंक मिला है और कितनी खुशी हो रही है ये सब चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका टैलेंट अपने तरफ
से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कितनी खुशी और कौन सा रैंक है आपका? सर 828 रैंक आया है यार सिविल सर्विस में, और मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही मेहनत के बाद मिली है ये रैंक, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। कितना टफ रहा सर ये सफ़र? मेरे लिए थोड़ा टफ रहा क्योंकि जैसे मुझे इस जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता था, तो इसीलिए इसकी खुशी दुगुनी अब हो चुकी है इसी खुशी में। लेकिन थके थके अभी भी लग रहे हैं? थके थके नहीं, अभी खाना नहीं खाया तो थोड़ी देर बाद खाना खाते हो तो एनर्जी आ जाएगी। ये सपना आपका था मम्मी पापा का? सर ये सपना दो लोगों का था घर में, जैसे मेरे फादर का और मेरे ब्रदर का। तो मेरे फादर हमेशा कहते थे कि ये लाल गाड़ी में घूमेगी, इस तरह से मतलब चीज़ें बोला करते थे। और मेरे ब्रदर ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया कि ये कुछ कर सकती है लाइफ में, तो मैंने बस उन्हीं का सपना पूरा किया है। आपका सपना नहीं था सर? उसके बाद उन दोनों का सपना बन के ये मेरा सपना बना और फिर मैंने ये अभी पूरा किया है। तो आपका क्या सपना था वैसे? सर पहले मैंने डॉक्टर के लिए ट्राई किया था, मेरा असली सपना डॉक्टर बनने का था, बट वो किसी कारणवश हो नहीं पाया था। तो फिर मैंने लाइफ में सोचा था कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगी, और उस अच्छे के लिए फिर मुझे पता चला कि UPSC एक सेवा है जो मैं कर सकती हूँ, और मेरे अंदर इस चीज़ का विश्वास था तो मैंने इसको पूरा करने के लिए सोचा। अब आपको लगता है कि आपने डॉक्टरी ना करके आपने UPSC में पास किया है, इससे और भी ज़्यादा पढ़कर आप जो है कि ना समाज की सेवा कर पाएंगे, जो समाज में जो बुराइयाँ हैं आप उसको खत्म कर पाएंगे? क्योंकि सबसे पहली चीज़ ज़रूरी यही है कि अगर समाज स्वस्थ होगा सब कुछ स्वस्थ होगा। हाँ सर, कुछ समय तक मैं सोचती रही कि मेरा मेडिकल क्यों नहीं निकला, क्या कारण रह गया, बट अब मैं अगर अपनी जर्नी देखूं और ये अचीवमेंट देखूं तो वो फिर अचीवमेंट कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेरा मेडिकल नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से आज मैं ये रैंक प्राप्त कर पाई। तो और डॉक्टरी के लिए मैं कहती हूँ कि सभी को पढ़ना चाहिए, जैसे ऑल गर्ल्स शुड बी देयर एंड दे शुड बी एनकरेज्ड एंड मेड टू स्टडी हार्डर एंड दे शुड ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर दैट एंड अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। सर ये सारा श्रेय मैं अपने भाई को, मेरी मम्मी और मेरे पापा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और अब आगे जाके क्या कुछ करने का मन है, जैसे सेवा करना है सर? हाँ मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कुछ अच्छा करूँ देश के लिए, अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए, और ख़ासकर गर्ल्स के लिए। तो मैं वो कंटिन्यू रखूँगी और उनके लिए कुछ ज़रूर आगे करती रहूँगी। चलिए एक चीज़ मैं जो थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज ये समाज जो है, समाज बेटियों को पढ़ा तो रहा है, पढ़ा भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज भी बेटियाँ जो है घूंघट के दायरे में ही रहती हैं, क्या लगता है? सर ये दोनों तरफ से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कुछ जगह पर अभी भी लड़कियों को प्रमोट इतना नहीं किया गया है, बट कुछ जगह पर, जैसे मैं जहाँ से आती हूँ, बट फिर भी मुझे वो सारी कंडीशंस मिली कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। और मतलब ये मिक्स एंड मैच है, ये मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है सोसाइटी की, और जो कि हमें चेंज करनी होगी और हम मिलकर इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आपको संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाओ, ताकि वो भी अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाए और अपने सपने पूरे कर पाए। खाली बेटियों बेटों को सब बेटों को अभी तक सब कुछ मिलता आ रहा है, तो वो कर सकते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, बट बेटियाँ तो परी होती है, सबको पता है। और बेटे के लिए क्या माँ बाप कम करते हैं? सर बेटों के लिए भी सब करते हैं, बट अब जेंडर इक्वलिटी की ज़्यादा जरूरत है। ये मेरा सवाल नहीं है कि कुछ लड़के जो है अब जो देखेंगे वो देख रहे होंगे, वो हमें वो सवाल उनके भी रहेंगे कि बेटी बेटी के लिए बोल दिया है UPSC पास करने वाले ने, और बेटों के लिए कुछ नहीं बोला है? सर दोनों बराबर है, और हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्वलिटी की तरफ जाना चाहिए, और दोनों को प्रमोट करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लड़कों को जो खुली छूट दी जाती है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, आने जाने के लिए, उसी तरह की जो छूट है बेटियों को भी रहनी चाहिए। जहाँ तक कहने का उद्देश्य उनका था वो यही है, और कोशिश यही करनी चाहिए हमें आगे बढ़कर, सभी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और जो गरीब दायरे में रहने वाले जो लोग हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, उनके बच्चों को भी आप अगर चाहें तो उनको भी जो है पढ़ा लिखा सकते हैं,
और कहीं ना कहीं आसपास में आपकी कोई संस्थाएँ चलती हैं तो आप उनके माध्यम से उनको पढ़ा लिखा सकते हैं। और क्योंकि आज पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आज जो है क्षेत्र के में जो आज पढ़ गई UPSC पास करकर आई है, इसने अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है, अगर वो नहीं पढ़ती तो शायद आगे नहीं बढ़ती। इसलिए जो पढ़ेगा, एक कहावत है कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही जरूर आएगा। अलीपुर दयाल मार्केट में गोलीबारी। दोपहर करीब 2 बजे मिनी स्टेडियम नेहरू एनक्लेव दयाल मार्केट अलीपुर के पास फायरिंग की घटना की सूचना मिली। बताया गया कि टाटा एस गाड़ी में बैठे 3 लोगों पर 4 लोगों ने फायरिंग की है। टाटा एस में लोगों के नाम है नरेंद्र उफ ढिल्लू पुत्र चांद मलिक निवासी धुलिया कॉलोनी को 6-7 गोलियां मारी गई है और HRHC अस्पताल में मृत लाया गया। तरुण उर्फ छोला पुत्र बैजनाथ निवासी धुलिया कॉलोनी अलीपुर पैर में 3 बार गोली मारी गई, HRHC अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित पुत्र धर्मवीर निवासी पानी की टंकी के पास अलीपुर बिना किसी चोट के वह मौके से भाग गया। मृतक अलीपुर का BC है और पहले 2017 में एक डकैती मामले में 2019 में एक आर्म्स एक्ट मामले में शामिल था। मृतक गोगी गिरोह का होने के कारण आपसी प्रतिद्वंदी का संदेह है, लेकिन सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। FIR दर्ज की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं और जाँच जारी है। जिनवानिया गांव में मिर्च तोड़ रहे किसान और मजदूरों पर गिरी आकाशीय बिजली। 7 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय किया रेफर। सिराली में रविवार की शाम 6 बजे से मौसम बिगड़ने के बाद जिनवानिया गांव के पास स्थित खेत में किसान सहित मिर्च के खेत में मिर्च तोड़ रहे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। बताया जाता है कि घटना के समय खेत में करीब 20-25 मजदूर थे। मजदूरों पर बिजली गिरने के बाद मिर्च तोड़ने वाले मजदूरों में कोहराम मच गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराली लाए। केंद्र पर डॉक्टर अंशिता गुज्जर ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से पहले 2 गंभीर घायलों को लाया गया, फिर 5 अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय हरदा रेफर किया गया। इनमें 2 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। आकाशीय बिजली से करंट में झुलसे किसान और मजदूरों में अंकित पिता लक्ष्मी नारायण 28 वर्ष, भूरा अज्ञात 24 वर्ष जिनवानिया और ज्योति पिता जवाहरी लाल 16 वर्ष, केड़ी पति किशोरी 25 वर्ष, रुपये पति शिवलाल 40 वर्ष, सुनीता पति भैरव 27 वर्ष, रामभाई लाल सिंह 26 वर्ष सभी निवासी मुंडा सेल को प्राथमिक उपचार के बाद हरदा रेफर किया गया। इसके बाद दुर्गा पिता अनोखी लाल 14 वर्ष और उनकी मां गोपी पति अनोखी 30 साल को भी करंट से झुलसने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। केंद्र पर उपस्थित घायलों के परिजनों ने बताया कि उन्होंने एम्बुलेंस के लिए सहायता मांगी, जहां कॉल सेंटर से 1 घंटे बाद उपलब्ध होना बताया गया। इस संबंध में डॉक्टर अंशिता गुज्जर ने बताया कि घायलों को हरदा रेफर करने के दौरान डायल 108 के आने में विलंब हो रहा था। इसके बाद घायलों को निजी वाहनों से जिला चिकित्सालय ले जाया गया। 7 लोगों के बाद महिला श्रमिक और उनकी पुत्री को करंट से प्रभावित होने पर उपचार के लिए लाया गया। इस तरह घायलों की संख्या बढ़ने का भी अंदेशा है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपना रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सोनीपत और मैं इस समय मौजूद हूँ लक्ष्मण कॉलोनी के अंदर और मेरे साथ में हैं इस क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मोहनलाल बडोनी जी, उनकी धर्मपत्नी जी हैं और साथ में बबीता जी हैं जो मूर्थल निगम पार्षद हैं। और आज जानते हैं, आज एक तो सबसे बड़ा पर्व भी है, आज भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है और जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर विशाल भंडारा भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ में यहाँ 7 संगत आई है और उसमें उस बीच में जो बहन जी का आना हुआ, क्या कहेंगे आज? पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ, ये मेरी बहन है, मेरे भाई है, सबको नमस्कार करती हूँ। फिर मैं बाबा के चरणों में नमन करती हूँ जो हम इस मौके पर आज यहाँ पर आए हैं और बहनों से हमने अपील की है वोटों के लिए और मेरी बहन मेरे साथ हैं और हम जहाँ भी जाते हैं हमारा बहुत अच्छे से आदर सम्मान होता है और बोलते हैं कि माँ आपके साथ हैं और मोदी जी के लिए हम वोट मांग रहे हैं। क्या है ये हनुमान चालीसा कितना पार उतरेगा? हनुमान चालीसा तो बिल्कुल हमेशा ही पार उतारती है, हमेशा हर एक कष्ट में
हर एक सुख में हर एक दुख में हमें हनुमान चालीसा जी का, हनुमान जी का मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ हनुमान जी की, और आज वो मुझे खींच लाए। मेरे आपसे सुबह मेरी बात हुई थी, मेरी बड़ी तबीयत खराब थी, पर जिस हिसाब से वो मुझे खींच लाए और हमने यहाँ पर आकर जो लोगों का रुझान देखा है बहुत ही अच्छा लगा, और हमने अपनी मोहनलाल जी के लिए वोट की अपील भी की, और लोगों ने जितना आश्वासन दिया है उस हिसाब से देखिए मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती पर विजय निश्चित है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, विजय निश्चित है, और जो है सभी भक्तियाँ भी चाहेंगे और भगवान का आशीर्वाद सभी को मिले। और आप जो है क्षेत्र में जा भी रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, तो आज हनुमान जन्मोत्सव पर क्या कुछ कहेंगे? हनुमान जन्मोत्सव पर तो मैं सबसे पहले तो राम 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 जी राम को और राम के परम भक्त को प्रणाम करना चाहती हूँ, और हनुमान जन्मोत्सव पर ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मोदी जी ने पूरे देश को राममय किया है, राम से चल के राम तक आए, तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये तो आने वाला जो है समय ही बता पाएगा। और आज जो है आज आप यहाँ पर आए हैं, और माता जी क्या कहेंगे, आज क्या आशीर्वाद दिया आपने? चलिए बहुत बढ़िया बात है, बाबा इनके साथ हम इनके साथ। जी जी जी, और क्या नाम आप आगे आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी है और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशलता संगठन एनजीओ की मैं अध्यक्ष हूँ, और आज हम पहुँचे हैं सोनीपत हरियाणा लक्ष्मण कॉलोनी, जहाँ पर हमारे गुरु जी सुभाष नाथ जी हैं और सभी संगतों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और प्रजा जी के समय समय पर बहुत ही अच्छे पुण्य कार्य करते रहते हैं, तपस्या हुई, जलधारा हुई या कड़ी तपस्या हुई, महा तपस्या हुई, तो आज हनुमान जयंती के पावन पर्व जो है विशाल भंडारा और जागरण किया गया है, उस भंडारे में जो हमारी बहन जी हैं बबीता जी और बहन जी हैं गीता जी, जो इस भंडारे और कीर्तन में जो शामिल हुई तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा सनातन धर्म हमारी संस्कृति जो आगे बढ़ रही है, जो हम संस्कार दे रहे हैं, और गीता जी का जो आशीर्वाद इन सब को मिला है, हम यही कहेंगे कि सभी विजय। चलिए बहुत बढ़िया बात है, और ये बहुत अच्छी बात कही है कि सनातन संस्कृति को हमें जितना बढ़ाना है उतना ही ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, तो अपने आने वाली जो नस्लें हैं हमें उन्हें भी बताना होगा कि हमारे परंपराएं क्या हैं, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे धर्म क्या है, हमें उस चीज़ के बारे में जो है सबको जानकारी देनी होगी, तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया साथ, और क्षेत्र के बारे में और भी जानकारी देते हैं। चलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। बाहरी दिल्ली के नरेला में बजरंग सेना संकीर्तन मंडल द्वारा मंगलवार दिनांक 23 अप्रैल को श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में होने वाली तीसरी विशाल ध्वजा यात्रा को लेकर समस्त क्षेत्रवासी श्री राम भक्तों में उत्साह देखा गया। हर जाति धर्म के श्री राम भक्तों ने यात्रा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश दिव्यांग बोर्ड अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में मनोनीत मंत्री धर्म सिंह आईएएस अधिकारी, किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर, उत्तर प्रदेश पंचजन्य बोर्ड के मेंबर कनकेश्वर नंद गिरी व अन्य अखाड़े से संत महात्मा पधारे। इस उपलक्ष्य पर क्षेत्र के लोगों ने श्री राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की और जगह जगह मीठे पानी के प्याऊ लगा सेवा की। दोस्तों मैं टैलेंट में रोता सिंह योगी आज आपके लेकर बाकनेर, और आज विश्व भर के अंदर हनुमान जयंती के पर्व पर ध्वजा यात्रा निकाली जा रही है, भंडारे हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, और आज ये श्री राम मंदिर जो भवाना रोड पे है नरला, वहां से ये यात्रा शुरू हुई है और अब दादा माई वाला मंदिर तक ये यात्रा जा रही है, और इस यात्रा के अंदर कितने लोग शामिल है और कितने नए और क्या कुछ इनके लिए क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है वो सभी चीजें जानते हैं राहुल जी से। मैं ज्योति योगी, और आज आप देख रहे हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर बड़ी बड़ी यात्राएं आज निकाली जा रही है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह, अलग अलग तरह से आज बजरंगबली जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और आज ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ और टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट भी इस यात्रा में भाग ले रही है और हनुमान जी का जन्मदिन मना रही है। बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि आज अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से हिंदू लोग इस जन्मोत्सव को मना रहे हैं, हिंदू अब जागृत होता जा रहा है अपने संस्कृत और संस्कारों की तरफ, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को भी बताएं इस बारे में और उन्हें जानकारी दें ताकि वो भी आगे चलकर नई पीढ़ी को इस बात की जानकारी देते रहे। प्रजापति बजरंग सेना संकीर्तन मंडल, बजरंग सेना संकीर्तन मंडल द्वारा तीसरी विशाल ध्वजा यात्रा जो की श्री राम कुटी मंदिर नरेला से प्रारंभ होकर सीधा दमाई वाले धाम पर
संपन्न होगी, जिसमें हमारे देश के कोने कोने से महामंडलेश्वर जो राष्ट्रीय संतगण है वो पहुंचे हैं, राजनीतिक हस्तियां पहुंची हैं, और भी जो भारतवर्ष में सम्मानित लोग हैं वो भी इस दवा यात्रा में शामिल हुए हैं। प्रभु राम की लीला है, राम करने वाले राम कराने वाले, और इस बार हनुमान जी की शक्ति का प्रदर्शन देखने को साफ साफ मिल रहा है कि हनुमान जी साथ साथ इस ध्वजा यात्रा में विराजमान है। जी कृष्ण जी के भाई साहब, मेरा नाम प्रदीप थोड़ेदार है भाई जी। आज कितना आनंद आ रहा है, आज मैं आठों भी बोर हूँ। आज भारतवर्ष के जो हिंदू अर्ध सम्राट है उनके दर्शनों का सौभाग्य यहाँ प्राप्त हुआ। जिनको हम आज तक टीवी पर देखते थे वो इतनी दूर से समय निकाल करके हमारी पावन भूमि नरेला में आए हैं, दादा माई वाले में दर्शन करेंगे। ये हमारा परम सत्य, हमारा एक बहुत मतलब ऐसा पल है जिसका हम बखान नहीं कर सकते। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, चारों तरफ से राम नहीं राम नहीं राम नहीं के जो है नारे लग रहे हैं, जय जय श्री राम जय जय श्री। आनंद आ रहा है योगी जी, बड़ी खुशी का अवसर है, भगवान श्री हनुमंत लाल जी का जन्मदिन है, बहुत उत्साह से लोग मना रहे हैं। और क्या कुछ विशेष देखा जी? विशेष ये है कि हर तबके के लोग, हर जाति पंथ के लोग आज इस यात्रा में शामिल है। भव्य झांकियां हैं, बैंड बाजे के साथ गाजे बाजे के साथ ये यात्रा सुबह से चल रही है, और इसकी भव्यता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। हर्ष उल्लास का दिन है, आज हमारे भगवान श्री हनुमान जी का जन्म महोत्सव है, और नरेला की पावन धरा पर आकर बहुत बहुत एक ऐसी अनुभूति हो रही है। और जो यहाँ के अध्यक्ष है राहुल प्रजापति, काफी अच्छा है यहाँ का जो वो माहौल है बड़ा अच्छा है, और यहाँ की जनता को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बजरंग बली का दिन है, और हर साल की तरह आज भी ध्वजा यात्रा राम मंदिर कुटी से निकली और गांव बाकनेर तक जाएगी दादा मे वाले मंदिर में, और सभी महिला शक्ति युवा नौजवान साथी बुजुर्ग सभी आज हनुमान जी के रंग में हैं, उनका जन्मदिन है, और 30-35 हजार आदमियों का भंडारा होता है दादा मे वाले मंदिर में, सभी के सहयोग से प्रसाद बढ़ता है। और मैं सभी मीडिया बंधु से और महिलाओं से और नरेला क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि दादा मे वाले मंदिर में आए, अपनी हर मनोकामना वहाँ पर रखे और पूरी होगी जैसे कि मेरी हुई है। मैं हिंदुस्तान की टीम का कप्तान बना, अब निगम पार्षद बनाया, सब दादा मे वाले की कृपा है, खाटू नरेश की कृपा है, बजरंग बली की। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी, उत्तर प्रदेश फॉर्म जनरल कल्याण बोर्ड की मेंबर।